हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ वो है जमालकोटा। जमालकोटा एक्चुअली यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के केस में। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और इसके दो या तीन एक्चुअली यूजेस होते हैं। प्राइमरीली जो लोगों को पता है इसका यूज़ वो है फॉर कॉन्स्टिपेशन, बट ये हेयर लॉस के भी केसेस में यूज़ किया जाता है। और अगर आप देखेंगे इसको जमालकोटा, तो इसको लेके आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में या वैसे देखा होगा, मजाक इसका बनाया जाता है कि भाई इसको खाने की चीज़ में मिला दिया और फिर पेट खराब हो गया। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग इसको रिलेट करते हैं, बट आज हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू पे बात करेंगे और थोड़ा इस बारे में भी बात करेंगे कि जब मैंने इसको लिया तो मेरा अपना क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जमालकोटा एक्चुअली होता कैसा है। ये सीड फॉर्म में आता है, तो ये आप अगर देखेंगे तो ये ऐसी इसकी सीड्स होती हैं। और ये जो होते हैं ना, ये बाहर से शेल है इसका। ये आप अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक शेल है। और इसको जब आप तोड़ते हैं तो अंदर से एक वाइट कलर का आपका एक्चुअली बीज टाइप का निकलता है। तो वो जो बीज निकलता है वो हमें लेना होता है। तो हमें ये एक कच्चा सीड नहीं लेना। ये आप देखेंगे इस केस में आप देखेंगे तो ये देखिए वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये ब्राउन जो है इसका शेल है और वाइट इसके अंदर गिरी टाइप का जो प्रोडक्ट है वो हमें लेना होता है। अब ये कौन कौन ले सकता है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली एक तो जमालकोटा जो होता है ये थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक है इसलिए है क्योंकि ये आपकी जो जनरल जैसे कब्ज के लिए जो रिलीफ रेमेडीज आती हैं, आपने देखा होगा आजकल तो टीवी पे भी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है। सॉफ्ट वैक आता है और एक आपका ये आता है, क्या कहते हैं, नित्यम आता है, टैबलेट है वो, आयुर्वेदिक टैबलेट ही है। और आप ई सब गोल लेते हैं कई लोग ये सिरप्स लेते हैं जो कि आपको एक्चुअली स्टूल्स को सॉफ्ट कर देता है, तो पास होने में आसानी होती है। तो उस सेंस में जो ये प्रोडक्ट्स आते हैं वो मैं कहूँगा बहुत ही माइल्ड हैं, क्योंकि मैंने वो कई प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, तो दे आर वेरी वेरी माइल्ड। अब जैसे आप अगर मैं आपको बताऊँ तो ये झंडू का जो नित्यम आता है, ये मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, ये आप देख पाएंगे, ये है झंडू का नित्यम। तो ये बेसिकली यूज होता है फॉर कॉन्स्टिपेशन ओनली और ये एक आयुर्वेदिक टेबलेट है। और इसको मैं आपको अंदर से भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस फॉर्म में होता है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, मतलब हम रिव्यू दूसरा प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट मैं जस्ट जनरल आपको एक व्यू देने के लिए कि भाई और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है। ये देखिए, ये इसकी टैबलेट है, हाजमोला की तरह होती है इसकी टैबलेट, ऑल्दो स्वाद वैसा नहीं है, बट ये अगर आप अपनी जीप पे रख के इसको पानी के साथ अगर लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसान है ये लेने में। और ये मैं आपको ये बता दूँ, ये चूरन फॉर्म में भी आता है नित्यम, बट वो लेना बहुत मुश्किल है, तो वो दैट इज़ नॉट एन ईजी काइंड ऑफ अ रेमेडी। तो अब हम वापस आ जाते हैं जमालकोटा पे, और जो मैं ये आपको बता रहा था नित्यम के बारे में या बाकी ऑप्शंस के बारे में, चाहे वो सिरप्स हैं या ये सब गोल है, तो अगर तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो बेटर है कि, और अगर आपने ये सब रेमेडीज अभी नहीं यूज करी, दूसरी अल्टरनेटिव रेमेडीज लाइक कि झंडू का नित्यम बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, या कोई सिरप्स हैं या ये सब गोल है, पहले बेटर ये रहेगा कि आप वो रेमेडीज यूज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनसे आपको रिलीफ मिल जाए पहले। तो अगर आपको वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा और आपको बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, और सिवियर का जो यूजुअल डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि आपको 3 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ लगातार, या फिर बहुत ही आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है,
तो उस केस में फिर आप जमाल गोटा के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने इस पे काफी रिसर्च करी, क्योंकि मुझे मैंने ये रेमेडीज ट्राई करी हैं, कुछ कुछ ने काम किया भी है, बट अगेन मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मैंने इसलिए फिर आखिर में जमाल गोटा के बारे में पढ़ा अच्छे से और इसको इस्तेमाल किया। तो अब मैं आपको सीधा इस पे आ जाता हूं कि जो जमाल गोटा है उसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो जमाल गोटा जो होता है वो दो फॉर्म्स में मुझे लगा कि अवेलेबल है, जो इजी एक्सेसिबिलिटी है। एक तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, जो ये शेल फॉर्म है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, अभी पड़ा हुआ है बाउल में आपके सामने, एक तो ये इस फॉर्म में आता है और एक ये ऑयल फॉर्म में भी आता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोटॉन ऑयल। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, क्रोटॉन ऑयल। तो आप अगर अमेजोन पे जाएंगे या फॉर दैट मैटर आप कहीं पे भी ऐसे वेबसाइट्स पे जाएंगे जो रिलायबल हैं, तो आपको ये दोनों फॉर्म में वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये आपको सीड फॉर्म में भी मिल जाएगा जो आप अभी देख रहे हैं, और आपको क्रोटॉन ऑयल यानी कि इसका एक्सट्रैक्टेड ऑयल भी मिल जाता है। अब जो क्रोटन ऑयल है, जो जहां तक मुझे समझ आया, मैं उसके रिव्यूज वगैरह देख रहा था जो लोगों ने लिखे, तो क्रोटन ऑयल ज्यादातर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जमाल कोटा हेयर लॉस एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल होता है, तो क्रोटन ऑयल ज्यादातर लोग उस केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर इनटेक और नॉट, मतलब आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो वो क्रोटन ऑयल के बारे में वो रिसर्च थोड़ा करना पड़ेगा, बट शेल फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं प्यूरीफाई करके। अब ये प्यूरीफाई क्या है ये भी बताना थोड़ा जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये है अभी जमाल कोटा, तो ये जो शेल फॉर्म है जो आपको पंसारी की दुकान से भी मिल सकता है या अमेजोन या कहीं से भी मिल सकता है, इस फॉर्म में आपको जमाल कोटा नहीं लेना, ये प्यूरिफाइड फॉर्म नहीं है और ये आपको नुकसान कर सकती है। तो आपको क्या करना है, आप जमाल कोटा की सीड्स ले लीजिए ऐसे, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और इनको आपको काफी देर तक पानी में भिगो के रखना है। तो यूजुअल आप क्या कर सकते हैं कि ओवरनाइट आप इसको भिगा दीजिए पानी में, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, उसमें आप इनको भिगा दीजिए सीड्स को। फिर आपको क्या करना है कि जो सुबह जब आप इन सीड्स को लेंगे तो ये सॉफ्ट हो चुके होंगे, वैसे बहुत हार्ड होता है, ये जो उसका ऊपर का शेल है वो बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप इसको भिगो देंगे पानी में, गुनगुने हल्के पानी में, और सुबह जब आप इसको या 8 या 10 घंटे बाद जब भी आप इसको फिर कोशिश करेंगे इस शेल को उतारने की, जैसे मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ, देखिए ट्राई करते हैं इसको, ये देखिए आपको आवाज़ भी शायद आई होगी, ये देखिए अब कितनी आसानी से मैंने इसको खोला, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी जो सीड है वो भी निकालूं। इसका वाइट कलर का देखिए सीड होगा, ऊपर वाला शेल ब्राउन है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप मेरे हाथ पे देख लीजिए, ये वाइट कलर का आपका निकलेगा इसको तोड़ के। ये अभी ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमने भिगो दिया था। तो ये देखिए ये आपका निकलेगा, तो आपको तोड़ना है शेल को और ये सीड निकालनी है उसके अंदर से। डायरेक्ट आपको, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको ये नहीं लेना, जिस फॉर्म में आपको ये मिला है आपको ये लेना है वाइट, जो इसकी सीड है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, तो पहले तो आपको इसको पानी में भिगोना है रात को, और आप सुबह फिर इसको तोड़ेंगे सीड शेल को, और उससे आप वाइट कलर की सीड निकाल लेंगे। अच्छा अब वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या, अभी भी आपको ऐसे भी नहीं लेना है इसको, क्योंकि बहुत तेज होता है। तो आपको फिर क्या करना है, गाय का दूध लेना है थोड़ा सा, बहुत आसानी से मिलता है आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय के दूध को आपको, अभी सीड्स को उनमें नहीं डालना, पहले आप गाय के दूध को थोड़ा हल्का सा उबाल लें, एक उबाला उसको दिला लें, तो वो झाग से बन जाएगी ऊपर। फिर आप क्या करें, ये सीड्स, अब मैं आपको इनकी क्वांटिटी बताता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इतना तो आप अगर ले लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप वॉशरूम से 5 या 6 दिन में निकल पाएंगे। तो आपको सिर्फ, जो मैंने लिया था, मैं 2 बार इसको कंज्यूम कर चुका हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि आप 10 से 12 सीड, ये शेल मतलब सीड आपको निकालने पड़ेंगे,
10 से 12 या मैक्सिमम 15 आप इनको गाय के दूध में प्यूरिफाई कीजिए। 15 से ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मत लीजिए। इवन आप अगर लोअर जाना चाहते हैं, 10 आप लेना चाहते हैं पहली बार में, या 8 लेना चाहते हैं, तो वो भी यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक दैट। बट किसी भी हाल में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 15 से ऊपर इनको लें, बिकॉज ये बहुत तेज प्रोडक्ट है। तो खैर अभी हम इस पे आ जाते हैं कि अब इसको फिर आगे हमें कैसे प्यूरिफाई करना है। तो जब आपने गाय के दूध को एक उबाला दे लिया, तो आप ये 15 जो आपने अंदर वाइट कलर का निकाला था, ये शेल तोड़ के जो सीड निकाले थे, तो 10 से 15 ये सीड जो है ये आप एक कॉटन क्लॉथ में, आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, उसमें इनको बांध दीजिए और उनको डिप कर दीजिए उसमें, पतीले में या पैन में या जो भी, जिसमें भी आपने वो दूध उबाला है। अगर आपके पास कॉटन क्लॉथ नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो पीजीज में रहते हैं या उनके पास नहीं है वो रेडीली अवेलेबल, तो इवन जो आपका ये आता है सॉफ्ट टिश्यूज टाइप आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। इवन आई थिंक अगर आप डायरेक्ट भी डाल देंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक बार तो देखिए टिश्यू में डाला था, दूसरी बार मैंने उसको डायरेक्ट वाइट सीड को मैंने डायरेक्टली सीधा गाय के दूध में डाल दिया था। आप डायरेक्ट भी डाल देंगे आई थिंक तो भी इट्स गुड इनफ, बट प्रॉपर जो प्रोसेस है वो ये है कि आप उसको कॉटन क्लॉथ में बांध के और फिर गाय के दूध में उसको छोड़ दीजिए। अब आपको 3 घंटे तक इन सीड्स को ऐसे ही छोड़ना है। तो 3 घंटे तक जब आप इन सीड्स को ऐसे छोड़ देंगे, फिर आप इनको निकालिए और आपको इनको एक बार अच्छे से धोना है, क्योंकि क्या होगा इनके ऊपर वो जो दूध है वो लग जाएगा, तो आपको वैसे नहीं लेना, उनको साफ करना है। और वो साफ आप गुनगुने पानी से कर सकते हैं, या एक और जो इसका फर्दर एक प्रोसेस ऑफ फर्दर प्यूरिफिकेशन है वो ये भी है कि जो लाइम जूस होता है, तो नींबू का जो रस है, उससे आप इसको 3 बार धो सकते हैं इन सीड्स को। तो आप नींबू का रस उस पर निचोड़ दीजिए सीड्स पे, जो 15 सीड्स हैं आपकी या 10 सीड्स हैं, और फिर उसके नींबू के रस को निचोड़ के फिर उसको एक बार पानी से धो दीजिए, फिर नींबू का रस निचोड़िए, फिर धो दीजिए। तो ऐसे 3 बार आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने सिर्फ दूध से ही इसको निकाला है 2 बार, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ करके और ले लिया। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि मे बी इसको लाइम जूस से धो लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा इसको और इसका जो इफेक्ट है, जो एक बहुत हार्ड होता है, तो इसको थोड़ा सा वो और सॉफ्ट कर देगा आपके स्टमक के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि आपको क्या करना है। तो आपको ये शेल लेना है, इसको पानी में भिगोए रखना है ओवरनाइट 8 से 10 घंटे ल्यूक वार्म वाटर में। सुबह आपको इसको फिर तोड़ना है, तोड़ के आपको इसके अंदर से, और ये बहुत आसानी से टूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाइट सीड निकालनी है। उसके बाद आपको गाय का दूध लेना है, गाय का दूध आप उबाल दीजिए और हल्का सा बस एक उबाला दिलाइए उसमें 3 घंटे के लिए, किसी भी कॉटन क्लॉथ में या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में, या अगर वो भी नहीं है तो ऐसे ही डायरेक्टली इन 10 से 15 सीड्स को आप उसमें काऊ मिल्क में डाल दीजिए। और फिर 3 घंटे बाद उनको आप निकालिए, उनको प्यूरिफाई दोबारा से आपको फिर क्या करना है कि वाटर, वार्म वाटर से उसको फिर दोबारा धो लीजिए एक बार अच्छे से, हो सके तो लाइम वाटर से उसको 3 बार दोबारा धो लीजिए, नहीं हो सकता तो फिर आप सिर्फ उसको वार्म वाटर से धो के और ले सकते हैं। बट मैं फिर भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप हो सके तो लाइम वाटर से उसको कर लीजिए, अब वो आपके लिए ज़्यादा लेने में ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसको कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इसको रात में ले लीजिए सोते टाइम, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, और इसका मैं आपको रीज़न भी दूंगा क्यों, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 2 बार ले चुका हूँ। इसका जो मुझे लगा जो इसका इफेक्टिव टाइम ऑफ एक्शन है, ये 2 से लेकर 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे में आपको जो दस्त होता है जिस टाइप से, या आपको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको रात को ले रहे हैं, आप सपोज कीजिए जब आपने खाना खाने के बाद 9 या 10 बजे अगर इसको लिया है, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपको पूरी रात वॉशरूम में ही काटनी पड़ेगी। तो मुझे क्या लगा, क्या बेटर टाइम है इसको लेने का, जैसे कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी है, सैटरडे या संडे या जब भी आपके पास छुट्टी है, तो आप क्या कीजिए, लंच से जस्ट पहले
जैसे अगर आपको 2 बजे आप लंच कर रहे हैं तो आप 1:30 बजे के करीब या 1:45 के करीब इसकी 10 से 15 सीड्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद, जैसा आपको समझा है, ले लीजिए। फिर क्या होगा, उससे क्या होगा कि 4, 4:30, 5 बजे तक ये अपना असर करना शुरू कर देगा। तो तब से लेके और 8, 9 बजे तक आपको इसका इफेक्ट रहेगा। और वो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो इफेक्ट ये होता है कि 2 से 3 घंटे बाद आपको मोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पहला मोशन आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि पूरा पेट पहली बारी में साफ नहीं होगा, तो आपको बार 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 वॉशरूम जाना पड़ेगा। और ये पेट पे थोड़ा जोर भी डालता है इनिशियली, तो क्या होता है कि आपको स्टूल्स तो आएंगे ही आएंगे, मोशन तो पास होगा ही होगा, यूरिन भी बहुत ज्यादा आता है इसके साथ। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इसका ऐसा असर है। ये बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा जिन्होंने नहीं लिया होगा, वो बस ये सोचते हैं कि इससे स्टूल्स पास होते हैं, बट स्टूल्स से भी ज़्यादा ये तेज़ होता है, क्योंकि इसका जो अंदर जब ये रिएक्ट करता है तो बहुत तेज़ होता है। तो अगर आप 3 बार या 4 बार आप जा रहे हैं मोशन पास करने के लिए, तो आप लगा लीजिए 15 से 20 बार आप जाएंगे यूरिन करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसको लेने का सही टाइम जो है बेस्ट है कि आप इसको दोपहर में मिड आफ्टरनून तक ले लें। तो इसको जब आप लेंगे तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि फिर आपको आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपका जितना भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना भी आपका इंटेस्टाइन में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है ना, हमारा इंटेस्टाइन से स्टिक हो जाता है, पास ऑन नहीं हो पाता, तो पूरा ये आपको अंदर से आपका साफ कर देगा। और आपको हो सकता है कि जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि आपको 4 से 5 बार वॉशरूम जाना पड़े फॉर पासिंग मोशन, और हो सकता है 15 से 20 बार आपको जाना पड़े फॉर यूरिन एज वेल। तो ये इसका इफेक्ट होता है और ये असरदार है। हल्का हल्का हो सकता है आपको आंतों में हल्की सी जलन हो, बट बहुत ही मतलब माइल्ड है वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेट जाएंगे या आप चीखने चिल्लाने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट हाँ, हल्का सा जैसे होता है ना, जैसे हम कभी तेज मिर्च वाला खाना भी खा लेते हैं या कुछ, तो वैसा हल्का सा आपका इंटेस्टाइन्स पे आंतों में हल्की सी जलन हो सकती है। और उसका भी एक और जो इफेक्टिव तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर बाय चांस आपको ज़्यादा जलन हो रही है या आपसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा या आपको ऑड लग रहा है, तो अगेन इफेक्टिव रेमेडीज कि आप लाइम जूस पी लीजिए। तो आप थोड़ा सा नींबू पानी लीजिए जैसा भी आपको अच्छा लगता है, और वो नींबू पानी पी लीजिए, तो वो आपको अंदर से ठंडा कर देगा। तो ये है बेसिकली जमाल गोटा, और मैंने आपको इसका सारा प्रोसेस बताया। मैंने इसको जैसा बताया 2 बार लिया, दोनों बार इसने असर किया। और मैं ये बोलूँगा कि आप इसको 2 दिन लगातार ले लीजिए, 10 सीड्स ले लीजिए एक दिन, 10 सीड्स ले लीजिए दूसरे दिन, वो आपको पूरा साफ कर देगा आपका सिस्टम। फिर उसके बाद आप इसको मत लीजिए, क्योंकि ये रोज़ लेने वाली चीज़ नहीं है, बहुत गर्म है ये, और रोज़ आप ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद ही पहली बार लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप उतना टाइम वॉशरूम में नहीं बिता पाएंगे रोज़। तो इसलिए इसको आप 2 दिन लगातार ले लीजिए। जैसे अगर सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है तो आप सैटरडे संडे इसको ले लीजिए। तो ये प्रोडक्ट है, और मैं अगेन ये पॉइंट रिपीट करूंगा, प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसको बिना प्यूरिफाई करे आपको नहीं लेना। जैसा भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आयुर्वेदिक प्रोसेस है, आप चाहें तो गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, और ये प्रॉपर प्रोसेस है, इसको प्यूरिफाई करके तभी लेना है, वरना ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। और इसकी क्वांटिटी आपको कहीं भी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको 10 सीड से 15 सीड बस, जो वाइट कलर की सीड मैंने आपको दिखाई थी, 15 भी मैक्सिमम, हो सके तो 10 या 8 अगर आप 2 दिन लगातार ले रहे हैं, बस 8-10 सीड से ज़्यादा आपको नहीं लेना, वो उतने में ही अपना काम कर देगा। कोई इसका ऐसा सिग्निफिकेंट आफ्टर इफेक्ट नहीं है, बट हाँ, जिस टाइम ऑब्वियसली आप अगर इतनी बार वॉशरूम जाएंगे या इतनी बार यूरिन पास करेंगे, तो उस टाइम थोड़ा सा आपको, क्योंकि हमें जनरली आदत नहीं होती, तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है या थोड़ा रेस्टलेस आपको लग सकता है, बट देन अगेन इट वुड बी वेरी वेरी नॉर्मल आफ्टर दैट। तो बट ये 100% मैं बोलूँगा ये इफेक्टिव है, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो ये पक्का, अगर आपके पास और कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही तो ये आपका पक्का काम कर देगा। बट अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे लेके चलिए कि दिस इज लाइक डूइंग अ सर्जरी। एक तो ये प्रोसेस भी बड़ा टीडियस है, जैसा आपने सुना होगा प्यूरिफिकेशन करना और ये सब चीज़ें करना, तो ये थोड़ा प्रोसेस भी डिफिकल्ट है इसको लेने का। तो पहले आप इजी चीज़ों पे चले जाइए, अगर आपने वो नहीं ट्राई करी है, सिरप्स लीजिए
ये झंडू का नित्यम बहुत इफेक्टिव है, ये लेके देख लीजिए। अगर उससे भी आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आप जमाल कोटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बड़ा फ्रैंक और ऑनेस्ट रिव्यू दिया है जमाल कोटा का। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रोटॉन ऑयल भी इसको बोला जाता है। तो अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है इसको लेके, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, या आप इवन मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट होकर पूछना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, या आप कमेंट्स भी करेंगे नीचे तो मैं आपको उसमें भी आंसर कर दूंगा। तो आप फील फ्री टू काइंड ऑफ यू नो रीच आउट टू मी, मैं जितना भी मुझे इसका पता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और सही गाइडेंस दूंगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बोल दूंगा मुझे नहीं पता। और बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो मैंने आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं टाइम एंड अगेन इसमें बहुत सारे रिव्यूज़ डालता हूँ जो आपको बहुत काम में आएंगे, और मैं बहुत उनको नंबर से फिगर से भी कोट कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता इस प्रोडक्ट के केस में, बट मैंने आपको बताया बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगेन मैं रिपीट करूँगा, कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप पोस्ट करें कमेंट, और उसके बाद भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपसे फ़ोन पे भी कनेक्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।